मंडी के तराना रोड पर दर्द से कराह रहे एक बुजुर्ग के पांव का जख्म इतना नासूर बन चुका था कि उसमें कीड़े पड़ गए थे। सोच संस्था के संस्थापक राजा सिंह मल्होत्रा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना डीसी मंडी अरिंदम चौधरी को दी। डीसी मंडी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी को कार्यवाही के आदेश दिए। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने तुरंत अपने वॉलंटियर मौके पर भेजे। वॉलंटियरों ने मौके पर बुजुर्ग के घाव पर मलहम पट्टी की और उन्हें जोनल हॉस्पिटल मंडी ले गए। यहां अब इस बुजुर्ग को दाखिल कर दिया गया है और उपचार जारी है। वहीं ओपी भाटिया ने बताया है कि बुजुर्ग अपना नाम राजू और खुद को बिहार का निवासी बता रहे हैं। उम्र उनकी 65 वर्ष है और यहाँ मजदूरी करते थे। चोट कब और कहाँ और कैसे लगी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं उपचार का सारा जिम्मा रेड क्रॉस ने उठाया है, इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को ठीक करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। वहीं सोच संस्था के संस्थापक राजा सिंह मल्होत्रा ने त्वरित कार्यवाही के लिए डीसी मंडी अरिंदम चौधरी और रेड क्रॉस सोसाइटी का आभार जताया है। उन्होंने सोसाइटी को व्यक्ति के बेहतरीन उपचार के लिए आर्थिक रूप से हर संभव मदद का वादा किया है। माननीय उपायुक्त महोदय के ध्यान में आया कि टाना रोड में एक वृद्ध व्यक्ति टारपट पर बैठा हुआ है जिसके पाँव में काफ़ी गहरा घाव है, वह उसे उपचार की नितांत आवश्यकता है। महोदय के आदेशानुसार तुरंत कार्रवाई करते हुए रेडक्रॉस की टीम द्वारा सर्व के जो हमारे सोशल इमरजेंसी रिस्पांस वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जाकर के पहले इस रोगी को प्रथमोपचार दिया। वह छानबीन की तो पाया गया कि रोगी का नाम राजू बताता है, वह बिहार का निवासी है। घाव अधिक होने के कारण इसे क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी में ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा इसका ड्रेसिंग करने के उपरांत इसे चिकित्सालय में दाखिल कर दिया गया है। वह इसके उपचार के लिए जो भी दवाइयों की आवश्यकता होगी वो रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वह भविष्य में भी यदि यह ठीक होता है और उसके उपरांत इसके निवास स्थान का या गांव का पता चलता है तो इसे वहां तक पहुँचाने का प्रयास भी किया जाएगा। इस कार्रवाई में सोच संस्था के जो संस्थापक हैं राजा मल्होत्रा, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की सूचना को जिला प्रशासन तक पहुंचाया। वह जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे उपचाराधीन किया गया। वर्तमान में श्री राजू जो कि बिहार का निवासी बताता है क्षेत्रीय चिकित्सालय में उपचाराधीन है, वह उसका उपचार रेड क्रॉस मंडी के माध्यम से कराया जाएगा। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मंडी से राजन पुंछी की रिपोर्ट।